हेलो बच्चों, एपिकल क्लास भोपाल में आपका स्वागत है। चलिए, न्यू क्वेश्चन के साथ में फिर से आपके सामने हूँ। चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 8x + k = 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आपके। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है, यहाँ पर इसके रूट्स क्या है, इक्वल। तो इसके रिलेटेड जो बेसिक पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो मेरे पास सामने में ऐसा हो, ठीक है, ax² + bx + c = 0। जब इसके रूट क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, तो d का वैल्यू क्या होता है, 0। तो d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो d बोले तो क्या होता है बच्चों, b² - 4ac = 0। तो हमें यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये रहा मेरे सामने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है बच्चों, ये रहा 2x² + 8x + k = 0। और जब इस इक्वेशन का मैं कंपेयर यहां से करवाऊंगा, ठीक है ना, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर a = 2, b = 8 and c = k। डन। अब मैं यहां पर रूट इक्वल वाला इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा, तो यहां से d = 0, देन अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac = 0। b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा 8² - 4 × a का वैल्यू 2, एंड यहां से c का वैल्यू कितना है मेरा k। अब देखो ध्यान से, 8² = 64 - 8k = 0, देन यहां से हम बोल सकते हैं 8k = 64, देन k = 64 / 8, ये कैंसल, तो ये 8 मिला, k = 8 यहां से हमें प्राप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, यही मेरा फाइनली आंसर है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।